सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम कुमार और आज से मैं आपके एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। बेसिकली आपके अपने यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड पे एक नया प्लेलिस्ट आने वाला है जो कि ईसी का होने वाला है, लाइक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि बेसिकली एमएसबीटी डिप्लोमा के कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए है। इस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी आपके सिलेबस हैं एमएसबीटी डिप्लोमा के, हर एक सिलेबस में जितने भी यूनिट्स हैं, लाइक ये 6 यूनिट्स बेसिकली आपके सिलेबस में, तो हर एक यूनिट्स के टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, हर एक यूनिट के टॉपिक सिलेबस में जाके हर एक यूनिट के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। आफ्टर दैट ये सब करने के बाद आपको इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बैंक है, देन जितने भी नोट्स, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, तो जितने भी स्टडी मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड होंगे आपके एग्जामिनेशन के अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, वो सभी हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपके योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट पे, जहां पे आपको जाके इन सभी रिसोर्सों को आप जाके आसानी से एक्सेस कर पाओगे। सो सबसे पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का बेसिक आइडिया क्या है। सर, क्योंकि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हमने ऑब्जर्व किया है कि वहां पे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमें बेसिकली ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से इस चीज को समझा देना चाहता हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट से कोरिलेट है। सपोज आपको फाइनल ईयर में जाके कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना हो जहां पे आपको IoT का यूज करना हो, तो वहां पे क्या है कि आपको कुछ सर्किट्स यूज करना, कुछ डिवाइसेस यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब आपको इन सब चीजों के बारे में बेसिक फंडामेंटल्स मालूम होंगे तो वहां पे आप उन सब चीजों को आसानी से कर पाओगे। सो बेसिकली यही रीजन है कि हमें एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। और हमने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये ऑब्जर्व भी किया है कि स्टूडेंट्स को इन सब टॉपिक्स के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, जिसको हम लोगों ने आपस में डिस्कस करके एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम लोग इसका एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बैंक, जितने भी स्टडी मटेरियल सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उन्हें एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। सो इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका एक सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी यूनिट्स, हर एक यूनिट्स के कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे, देन एक डायग्राम से समझेंगे कि क्या एक्चुअल वर्किंग हो रहा है, देन उसका डीप नॉलेज कि हर एक टॉपिक में डीप, जो मतलब कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो उसे आप आसानी से टैकल कर पाओ। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, जिसमें मैंने आपको डेमो के बारे में बताया कि ईसी के लेक्चर्स को हम लोग कैसे इस प्लेलिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो होप करता हूँ कि आपको सभी चीजें आसान अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, ये प्लेलिस्ट के लिए आप एक्साइटेड हो, तो अभी जाके हमारे योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर से जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। सो